वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, पाक पतन ने जदीद रिसर्च पर मबनी बीज इस्तेमाल करके जरई पैदावार बढ़ाने की आगाही के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाम किया गया, जिसमें कम लागत और कम पानी से धान की काश्त के लिए जदीद बीज भी मुतारिफ करवाया गया। इसके हवाले से रिपोर्ट करेंगे महमूद रजा। निजी पेस्टिसाइड कंपनी की वर्कशॉप में किसानों को जदीद रिसर्च के मुताबिक फसलों की काश्त के तरीके से आगाह किया गया। वर्कशॉप में कम पानी और सेंधदा इलाकों में धान के काश्तकारों के लिए जदीद बीज मुतारफ करवाया गया। माहरीन ने दुराने काश्त दरपेश मसाइल के हल के लिए किसानों को नई रिसर्च से आगाह किया। कंपनी के GM अब्दुल करीम मरी का कहना था, पंजाब के क्लाइमेट के मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करके जो है इसको लॉन्च किया गया है। स्ट्राउट रेजिस्टेंस वराइटीज एंड सैलिनिटी सॉइल पे भी हमारी वराइटीज इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पाकिस्तान में मुतारफ की करवाई जाएंगी। मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फार्मर्स से चीज़ें लगाते हैं उसका ख्याल नहीं रखते, और ये कहने का मकसद भी था कि फार्मर्स का ओवरव्यू हो, दूसरे फार्मर जो एक अच्छी पैदावार ले रहे हैं, जो कम पैदावार ले रहे हैं, वो अपनी पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इस दौरान सैकड़ों किसानों को काश्त के नए तरीकों की तरबियत दी गई। वर्कशॉप में कुरा अंदाजी के तहत किसानों में मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती इनाम भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ महमूद रजा, K21 न्यूज़, बागपतन। आपको बताएं क्या